हाई गाइज हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल लव ब्यूटी ऑन ड्यूटी गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ आज के वीडियो का टॉपिक होगा प्रेगनेंट होने के लिए सेक्स के बाद हमें कितनी देर तक लेटे रहना चाहिए क्योंकि जो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है उनको लगता है कि रिलेशन बनाने के बाद में जो भी पुरुष का स्पम्भ होता है वो सारा का सारा बाहर निकल जाता है या तो तुरंत बाहर निकल जाता है या फिर सुबह उठकर जब वो देखते हैं तो उनको लगता है कि पूरा स्पम्प तो बाहर निकल गया है तो अब हमें कौन सी पोजिशन यूज करनी चाहिए जिससे कि स्पम्प है वो बाहर ना निकले या फिर हम कितनी देर तक लेटे रहें और कैसे लेटे रहे जिससे कि वो बाहर नहीं आए ये उनकी मेन समस्या रहती है तो ये वीडियो हर एक उस कपल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कोशिश कर रहे हैं कंसीव करने के लिए तो सबसे पहली चीज जब भी आप ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए तो आपका जो मेन फोकस है तो ऑवलेशन किस दिन होता है अंडा कब बाहर निकलता है इसके ऊपर सेपरेट मैंने एक वीडियो बनाया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपका अंडा कब ऑवलिस से बाहर निकल रहा है तो इन दिनों में आपको ज्यादा से ज्यादा रिलेशन में रहना है।, तो है, है। तो बच्चे दानी के मोहे के पास मैक्सिमम स्पम रिलीज करता है इस फ्लूट को एक तरह से सीमेंट बोला जाता है इस सीमेंट के अंदर एक तरह का तरल पदार्थ रहता है जो प्रोस्टेट ग्लैंड से बनता है सेमलिकल से बनता है तो इसमें लगभग चालीस मिलियन स्पंभ होते हैं जिसमें से लगभग बीस मिलियन स्पंभ ऐसे होते हैं जो गतिशील नहीं होते हैं और लगभग बीस मिलियन यानी कि लगभग आधे ऐसे होते हैं जो गति कर सकते हैं इनको गति करने के लिए इनके पास में एक पूंछ होती है पूंछ जैसे ही मूवमेंट करती है तो ये गति करते हैं दूसरी जो चीज है जो इनको गति करने में हेल्प करती है वो है महिला का यूटस के जो मसल्स का जो कॉन्टेक्शन रहता है जो खिंचाव रहता है वो इनको गति कराने में ऊपर ले जाने में हेल्प करता है तो जब इंटरकोर्स हो जाता है बच्चे धानी के मुख से स्पम ऊपर चढ़ते हैं तो यूटस में आ जाते हैं और उनमें से तीन से चार सौ स्पम ही फैलोपियन ट्यूब में आते हैं ये फैलोपियन ट्यूब में दोनों साइड में जाएंगे क्योंकि इनको नहीं पता होता है कि अंडा किस साइड में है इसलिए वो गति करते हुए दोनों साइड पहुंचेंगे जो गतिशील स्पम है वो लगभग 15 मिनट के अंदर बच्चे दानी का मुख क्रॉस कर लेंगे और इनमें से सिर्फ एक ही स्पम एग को पैनिटेट करता है और उसका भ्रूण बन जाता है तो जब भी आप कंसीव करना चाहते हो तो आप मैक्सिमम 15 मिनट तक लेटे रहें तुरंत आपको उठना नहीं है और इसमें आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि स्पम्प बाहर आ गया तो कंसीव होगा या नहीं क्योंकि इसमें जो फ्लूट होता है इसमें से जो गतिशील स्पम्प होते हैं वो ही फेलोपियन ट्यूब तक जा पाते हैं बाकी के सारे बाहर आएंगे ही हकीकत में आप जिस चीज को प्राइवेट पार्ट से बाहर निकलता हुआ देखती है वह सीमन नहीं है सीमन लिक्विड यानी तरल पदार्थ है जिसमें स्पंप तैरते हैं एक बार प्राइवेट पार्ट में डिस्चार्ज होने के बाद स्पम्प फर्टिलाइजेशन के लिए अंदर की तरफ एग से मिलने के लिए दौड़ लगा देते हैं स्पंप के एग से मिलने के बाद ही भ्रूण का निर्माण होता है और महिला प्रेग्नेंट होती है बचे हुए लिक्विड के बाहर निकलने से प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई परेशानी नहीं होती और जिस पोजिशन में भी आप कंफर्टेबल है और आपका पेनिट्रेशन जिस भी पोजिशन में सबसे डीप रहता है वो पोजिशन आपको अपनानी है और दस से पंद्रह मिनट तक आपको लेटे रहना है और बेहतर होगा अगर आप इंटीमेट होने के बाद में जब स्पम्प वजाइना में डिस्चार्ज हो जाता है तो आप अपने दोनों घुटनों को मोड़ते हुए सीने तक ले जाएं और 10 से 15 मिनट तक रहें इससे पूरा का पूरा सीम है वो अंदर ही रहेगा तो गाइस बस यही था मेरा आज का वीडियो मैं ऐसा करूंगी मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल so, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय